نہ مانجھی نہ رہبر، نہ مانجھی نہ رہبر، نہ حق میں ہوائیں، نہ مانجھی نہ رہبر نہ حق میں ہوائیں، ہے کشتی بھی جرجر، یہ کیسا سفر ہے؟ کبھی تو لگتا ہے کہ یہ سارے جو بھاشن میں سن رہا تھا، جو ویوہار دیکھ رہا تھا، میں نہیں مانتا ہوں کہ کوئی اجیان بس ہوا ہے۔ اور نہ ہی یہ جھوٹے آتم وشواس کے کارن ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ اہنکار اس پرکار کی پروتی کرنے کے لیے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ مودی ہٹاؤ اور آپ اور میں حیران ہوں آج صبح، تو میں تو حیران ہوں آج صبح بھی کہ ابھی تو چرچا پرارمبھ ہوئی تھی، متدان نہیں ہوا تھا، جے پراجے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی جن کو یہاں پہنچنے کی اتساہ ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، نہ یہاں کوئی اٹھا سکتا ہے نہ بٹھا سکتا ہے، 125 کروڑ دیش واسی بٹھا سکتے ہیں، 125 کروڑ دیش واسی اٹھا سکتے ہیں۔ لوک تنتر میں جنتا پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اتنی جلد بازی کیا ہے؟ اور یہ ہنکاری ہے جو کہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے تو پردھان منتری 15 منٹ تک کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ آدرنیہ ادھیکش مہودیا جی، میں کھڑا بھی ہوں اور 4 سال ہم نے جو کام کیے ہیں اس پر اڑا بھی ہوں۔ ہماری سوچ ان سے الگ ہے، ہم نے تو سیکھا ہے سار سار کو گہی رہے، تھوتھا دے یہ اڑا۔ خیر، میں سار گرہن کرنے کے لیے کافی کوشش کر رہا تھا لیکن آج ملا نہیں۔ یہاں ایسے وشیوں کو سپرش کیا گیا، آج کل شیو بھکتی کی باتیں ہو رہی ہیں، میں بھی بھگوان شیو کو پرارتھنا کرتا ہوں، میں 125 کروڑ دیش واسیوں کو بھی پرارتھنا کرتا ہوں، آپ کو اتنی شکتی دیں، اتنی شکتی دیں کہ 2024 میں پھر سے آپ اوشواس پرستاؤ لے آئے۔ میری آپ کو شبھ کامنائیں ہیں۔ یہاں پر ڈوکلام کی چرچا کی ہے، میں مانتا ہوں کہ جس وشے کی جانکاری نہیں ہے کبھی کبھی اس پر بولنے سے بات بڑی الٹی پڑ جاتی ہے، اس میں ویکتی کا نقصان کم ہے دیش کا نقصان ہو جاتا ہے، اور اس لیے ایسے وشیوں پر بولنے سے پہلے تھوڑا سنبھالنا چاہیے۔ ہمیں ایک گھٹنا کرم ذرا یاد رہنا چاہیے، جب سارا دیش، سارا تنتر، ساری سرکار ایک جٹ ہو کر کے ڈوکلام کے وشے کو لے کر کے
प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जायज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। और बाद में कभी ना तो कभी हाँ, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था, कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले। क्यों भाई ऐसा सस्पेंस क्यों? मैं समझता हूं और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ बना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, हाँ मुलाकात तो हुई थी। क्या देश देश के विषय कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा, मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे क्या? कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? जो लोग इतने साल सत्ता में रहे बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चिल्लाता चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सत्य का गला घोटने की कोशिश है, देश की जनता भली भांति जानती है और हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है और अब सुधरने का मौका है, सुधरने की कोशिश करें। ये राजनीति का स्तर देश हित में नहीं है। और मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये समझौता दो देशों के बीच हुआ है, ये कोई व्यापारी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। और मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर, ये बचकाना बयानों से बचा जाए, ये मेरा आग्रह है। और नामदार के आग्रह में मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठकर के हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी हो तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए।
सर्जिकल स्ट्राइक और जुमला स्ट्राइक, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है। नहीं जानता एक बार और कही गई, यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आग डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदय जी, इतिहास गवाह है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया? मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया? चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया? चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था? मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आग डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार है, भला हम नामदार से आंख में आग कैसे डाल सकते? और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल।